ही जान के पीछे पड़े हैं। यही कहता हूं सर कि हम अपना दर्द बांटें या न बांटें पर हंसी बांटें, हम अपना दर्द बांटें या न बांटें पर हंसी बांटें, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटें। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। और ये जो इनाम मिला है वो है अरविंद राजपूत घरेलू जी की तरफ से 1100 रुपए का, तो मैं चाहती हूँ उनके लिए भी बड़ जोरदार तालियां हो जाए। शोर मचाते रहे, तालियां बजाते रहे, महफिल में मजा आएगा गाइस, कि जितने भी हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस हैं इनकी एक बार जोरदार तालियों के साथ, एवरीवन प्लीज। सर मैं यार मेरी आवाज जनता तक जा क्यों नहीं पा रही, तुम ही बताओ। जा रही है सर, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, वहां पर सर गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं। और आपको बता दूं बहुत सर, मैं ये अलग बात है कि मैं 63 साल का हो रहा हूं, लेकिन मुझे सिनेमा की हीरोइन बहुत अच्छी लगती सर, क्योंकि हीरोइन सिनेमा की देखने लायक है, घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। सब भैया संत, सभी संत राम जी की तरह भाग्यशाली थोड़ी हैं। ये सर आपको मैं बताऊं, मैं महिलाओं के प्रति दूर से बहुत निष्ठा रखता हूं, सच्ची श्रद्धा दूर ही से रखता हूं सर मैं, क्यों? क्योंकि जिस नारी ने मेरा 35 साल से मेरा जीवन नरक कर रखा है, उसके सशक्तिकरण की बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। सर आपको सच बताऊं, मेरे पास भी एक अदद पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने उससे कहा कि देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? तो सर मैं आपको बताऊं एक सच्चाई है, और मैं भोग रहा हूं, आप लोगों को हंसी आ रही है। मेरी पत्नी अगर पूरब दिशा, ये देखिए आ गया जोड़ीदार एक ठो, और ऐसे संत राम जी आपका इंतजाम है, दाढ़ तेरी कुत्ते की, भगाइए इसको यहां से। जब हम खुद माइक पर कुत्ते की तरह भौंकने के लिए खड़े हैं, तो इसको क्यों बुला लिए? सर देखिए एक राजनेता, मैं उत्तर प्रदेश का हूं सर, वहां वरिष्ठतम राजनीतिक ने वो कांड किया, भगवान करें करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, बाद में क्यों खत्म हुए? मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, संत राम जी आप भी लीजिए, कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और मैं संशोधित करता हूं आप लोगों की तरफ मुंह करके, मगर आप लोगों का समर्थन मिले तब, कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी, 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की। और सर एक और सच्चाई से रूबरू कराता हूं, एक कांग्रेसी करैक्टर पढ़ रहा हूं सर, जो कांग्रेस के समर्थक लोग होंगे थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा, बाल बच्चे वाला आदमी हूं,
भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 वर्ष की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया कि भगवान करें करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी ले, आप लोग भी लीजिए कि एक एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और पढ़ें कि बंद करें, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। सर थोड़ा थोड़ा पूरब की ओर चलें, भाई साहब बड़े बाल वाले भगवती मंगल करें, काहे रास्ते में खड़े हो यार, उनसे इनाम लेना है, तुम रास्ता रोक के खड़े हो गए। सर थोड़ा पूरब की ओर चले, ये धरती का आठवां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है, जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय दो के दोनों खाली हैं, तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथें दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं, किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर सर इन्हें राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था सर, मेरे जीवन का दुर्भाग्य, और प्रचार कार्य के दौरान पूरे राष्ट्र को कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी, कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, जैसे बीड़ी बनाना, माचिस बनाना, भगवान झूठ न बुलाएं, पंक्तियां बर्दाश्त करें। पटना वाली राबड़ी को तुम